eyes with a display of visual brilliance. फर्स्ट फरवरी हर साल कोस्ट गार्ड डे होता है एंड अब की बार हमारा 48th रेजिंग डे कोस्ट गार्ड डे है फर्स्ट फरवरी को. तो इन द रन अप टू कोस्ट गार्ड डे वी हैड द फैमिली डे एट सी टुडे. फैमिली डे एट सी ऐसा एक यूनिक दिन होता है जिस दिन सारे कोस्ट गार्ड शिप्स फैमिली मेम्बर्स को लेके सेल आउट करता है, सी में जाता है. बाकी किसी दिन ये परमिटेड नहीं होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिंग जाना अलाउड नहीं रहता है एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डे इन अ ईयर जिसमें अलाउड होता है. सो ये मौका होता है हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स को जो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हार्डशिप्स फेस करते हैं. व्हेन वी आर मैन गो आउट टू सी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम्स इन द ड्यूटी टूवर्ड्स सेफगार्डिंग द नेशन. एंड इस दिन फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ आके देखते हैं हम किस टाइप के कठिनाइयाँ फेस करते हैं आउट एट सी, क्या क्या चैलेंजेस हमें देखना पड़ता है. तो आज हमने उनको सेल आउट करके 4 घंटे के सेलिंग में दिखाया वेरियस ऑपरेशंस लाइक शिप से बोर्डिंग ऑपरेशंस, शिप से फायरिंग, शिप से एक्सटर्नल फायर फाइटिंग. बीच में हेलीकॉप्टर ने भी आके डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हेलीकॉप्टर से कैसे पर्सन ट्रांसफर करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन हेलीकॉप्टर ने दिखाया. एंड वी वर ऑल्सो लकी कि इसी टाइम जब आउट एट सी थे नेवी के भी फाइटर्स की फ्लाइंग हो रही थी, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स एंड जितने भी और सिविलियंस हमारे साथ सेल कर रहे हैं उन्होंने वो भी देखा फर्स्ट हैंड नेवी का फ्लाइंग, एक सबमरीन भी था. सो दे गॉट दिस कम्प्लीट एक्सपोजर टू लाइफ एट सी. आज लकीली सी अभी इस मौसम में काफ़ी शांत है, बट ऐसा शांत हमेशा सी नहीं रहता है एंड मोस्ट ऑफ टाइम सी काफ़ी रफ रहता है जिसमें और ज़्यादा कठिनाई होती है.
तो बट दिस वॉज जस्ट एन एक्सपोजर एंड इससे जो जितने काफ़ी सारे बच्चे भी आए हैं, कोस्ट गार्ड फ्रेटर्निटी के बच्चे आए हैं, सिविलियन के बच्चे आए हैं, वो और हम आशा करते हैं कि प्रेरित होंगे कि कोस्ट गार्ड, नेवी एंड आर्म फोर्सेस ऑफ द नेशन ज्वाइन करें देश की सेवा में। सर और कुछ अभी कोस्ट गार्ड नई मशीनरी शिप्स वगैरह कुछ लाने वाले हैं वो? कोस्ट गार्ड में कंटिन्यूस एक्सपेंशन चल रहा है, नए शिप्स बन रहे हैं हमारे GSL में ही, हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स बन रहे हैं एंड फास्ट पेट्रोल वेसल्स बन रहे हैं एंड कोस्ट गार्ड ने हाल ही में ALH हेलीकॉप्टर्स कोस्ट गार्ड में इंडक्ट हुए हैं पिछले 2 सालों में, जिससे कोस्ट गार्ड का ऑपरेशनल स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। नए शिप्स में और लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी होगी जिसमें रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ बॉयज होंगे, ड्रोन्स होंगे, सो कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ कोस्ट गार्ड हो रहा है इन द एवर चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द मैरिटाइम स्पेक्ट्रम एंड कोस्टल सिक्योरिटी।